दिल्ली, भारत की राजधानी। दिल्ली शहर लोगों को आकर्षित करने वाला शहर है। यहाँ की संस्कृति और धर्म दोनों ही लोगों को आकर्षित करते हैं। आकर्षण की एक और वजह यहाँ बना अक्षरधाम मंदिर भी है, जो स्वामीनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर विश्व के विशालकाय मंदिरों में से एक है। इसका विशाल आर्किटेक्चर इसके इतिहास को बयां करता है। तो आइए इस मनमोहक और विशाल मंदिर की कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अक्षरधाम या स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर एक हिंदू मंदिर है और भारत के नई दिल्ली में स्थापित साहित्यिक सांस्कृतिक स्थान है। यह मंदिर दिल्ली अक्षरधाम या स्वामीनारायण अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में लाखों हिंदू साहित्यों और संस्कृतियों और कलाकृतियों को मनमोहक अंदाज से दर्शाया गया है। दिल्ली में आने वाले 70% यात्रियों को अक्षरधाम मंदिर आकर्षित करता है। इस मंदिर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 6 नवंबर 2005 को शासकीय रूप से खोला था। यह मंदिर यमुना के तट पर बना हुआ है और 2010 में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स भी दिल्ली के इसी भाग में खेले गए थे। कॉम्प्लेक्स के बीच में बना यह मंदिर वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र के अनुसार बना हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में अभिषेक मंडप, सहजानन वाटर शो, थीम गार्डन और 3 प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन, जो कि सहजानन दर्शन, नीलकंठ दर्शन और सांस्कृतिक दर्शन है। स्वामीनारायण में हिंदुओं के अनुसार अक्षरधाम शब्द का अर्थ भगवान के घर से है और भगवान के भक्तों का ऐसा मानना है कि अक्षरधाम भगवान का निवास स्थान हुआ करता था। स्वामीनारायण अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स का मुख्य आकर्षण अक्षरधाम मंदिर है। यह 141 फुट ऊंचा, 316 फुट फैला और 356 फुट लंबा है। यह जटिलता पूर्वक इसे फूलों, पशु, नर्तकों, संगीतकारों और अनुयायियों से सजाया गया है। महर्षि वास्तु आर्किटेक्चर के अनुसार ही इसे डिजाइन किया गया है। इसे मुख्य रूप से राजस्थानी गुलाबी पत्थरों से और इटालियन करारा मार्बल से बनाया है। इसका निर्माण हिंदू शिल्प शास्त्र के अनुसार ही किया गया है और साथ ही दूसरे ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों की तरह ही इसमें भी मेटल का उपयोग नहीं किया गया है। इसे बनाते समय स्टील और कंक्रीट का उपयोग भी नहीं किया गया। इस मंदिर में 234 आभूषित किए हुए पिलर, 9 गुंबद और 20,000 साधुओं, अनुयायियों और आचार्यों की मूर्तियां हैं। मंदिर के निचले भाग में गजेंद्र पीठ भी है और हाथी को श्रद्धांजलि देने वाला एक स्तंभ भी है और हिंदू साहित्य और संस्कृति में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। इसमें 148 विशाल हाथी बनाए गए हैं जिसका वजन तकरीबन 3,000 टन होगा। मंदिर के बीच में गुंबद के नीचे 11 फुट ऊंची स्वामीनारायण भगवान की अभय मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। स्वामीनारायण मंदिर जातिगत गुरुओं के विचारों की प्रतिमाओं से घिरा हुआ है। स्वामीनारायण में बनी हर एक मूर्ति हिंदू परंपरा के अनुसार पंच धातु से बनी हुई है। इस मंदिर में सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी हैं। अक्षरधाम मंदिर के पीछे संस्था BAPS का हाथ है, जिसका अर्थ बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था से है। इसके प्रमुख स्वामी महाराज ने मंदिर को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। आज अक्षरधाम मंदिर दिल्ली शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र बन चुका है और वर्तमान में अक्षरधाम मंदिर के बिना दिल्ली शहर की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत में अक्षरधाम मंदिर जैसे बहुत से ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं। आज यही मंदिर भारत के ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों को बयां करते हैं। हमें भारत के इन मंदिरों पर हमेशा गर्व होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि आज भी हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के लोग सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी मानते हैं। अक्षरधाम मंदिर का एक और आकर्षण गार्डन ऑफ इंडिया है। मुख्य रूप से यह मंदिर के क्षेत्र में बना हुआ हरा लॉन है। इस गार्डन में बहुत सी कांसे की मूर्तियां बनी हुई है जो देश के कुछ महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आते हैं, जैसे सैनिक, बाल हीरो और महान महिलाएं और महापुरुष देशभक्त। अक्षरधाम मंदिर की मुख्य इमारत एक सरोवर से घिरी हुई है
जिसे नारायण सरोवर कहा जाता है, जिसमें देश की तकरीबन 151 विशाल सरोवर और नदियों का पानी भरा हुआ है। सरोवर के पास ही में 108 गौमुख भी बने हुए हैं और माना जाता है कि यह 108 गौमुख 108 हिंदू भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सुंदर और मनमोहक मंदिर में आकर्षित करने वाला एक म्यूजिकल फाउंटेन शो भी है। यह शो हर शाम 15 मिनट तक होता है। इस शो में जीवन चक्र भी दिखाया जाता है, जो इंसान के जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर खत्म होता है। इसे दिखाते समय ही म्यूजिकल फाउंटेन का उपयोग किया जाता है। अक्षरधाम मंदिर में एक और आकर्षित गार्डन है, जिसे कमल बाग भी कहा जाता है। इसका नाम इसके आकार के आधार पर ही रखा गया है। यह गार्डन पवित्रता का स्वरूप है। कहा जाता है कि इतिहास के कई महापुरुष, दर्शन शास्त्री और वैज्ञानिक इस गार्डन में आए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अक्षरधाम मंदिर का नाम शामिल है। अक्षरधाम मंदिर को विश्व का सबसे विशाल हिंदू मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की एक और विशेष बात यह है कि इसे बनाने में सिर्फ 5 साल का समय लगा था। यह निश्चित ही आश्चर्यदायक बात है। तकरीबन 11,000 कलाकारों और अनगिनत सहयोगियों ने मिलकर इस विशाल मंदिर का निर्माण किया था। नवंबर 2005 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। अक्षरधाम में दर्शनार्थियों के आकर्षण के लिए बहुत से आकर्षण हैं। इस मंदिर में बहुत सी इमारतें और आकर्षक स्तंभ बने हुए हैं, जो भारतीय इतिहास की महानता और संस्कृति को दर्शाते हैं। इस मंदिर में एक फिल्म स्क्रीन भी लगी हुई है, जिसमें भगवान स्वामीनारायण के जीवन पर आधारित फिल्म दिखाई जाती है। अक्षरधाम मंदिर में यज्ञ पुरुष कुंड भी है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा कुंड भी कहा जाता है। कमल के आकार में बने इस कुंड में 108 छोटे तीर्थ स्थान और 2870 सीढ़ियां बनी हुई हैं। कहा जाता है कि इस कुंड का आकार ज्योमेट्री के हिसाब से एकदम परफेक्ट है और यह कुंड भारतीय इतिहास के महान गणितज्ञों की महानता को दर्शाता है। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर दिल्ली जाने का मौका मिले तो अक्षरधाम मंदिर जरूर जाइएगा। जय स्वामीनारायण।